जो कि इन दिनों में हमारी सीरीज चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज मैं पार्ट टू के रूप में आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमारे सिलेबस का भी टॉपिक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो सेकेंड ईयर BSc या थर्ड ईयर BSc या लास्ट फाइनल BSc में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर MSc कर रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो और एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो उसकी बेस्ट, जो हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट सीखने के लिए मिल रहा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत मायने लगता है। उसको समझना ही चाहिए, तब जाके हमें क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और सारी नई इन्फॉर्मेशंस समझ में आ सकती है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ आज का ये बहुत बढ़िया टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई वुड लाइक टू डिस्कस टूडे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट टू। तो लीजिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल्स। दोस्तों कोई चौकस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो हम कोई भी मेटल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं या फिर इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। यहाँ पर देखिए इस फिगर में, आई वुड लाइक टू शो दिस फिगर अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट, दिस इज नथिंग बट इंसिडेंट लाइट। सो लाइट इज ऑलरेडी स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस ऑफ दिस मेटल टू इजेक्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो यही बात मैं आपको कहने वाला हूँ कि कोई भी मेटल आयन की सरफेस के ऊपर जब कोई चौकस फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है या फिर स्ट्राइक्स करते हैं हम, तो सरफेस में से मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। ये घटना, ये पूरी सिचुएशन, ये जो इंसिडेंट है वो कुछ नहीं है लेकिन इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर ईच मेटल, कोई भी मेटल हो, अ सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटेड लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो क्या है? तो किसी भी मेटल की कोई चौकस मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी मेटल आयन की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है सरफेस से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एमिटेड होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी तीव्रता, लाइट की तीव्रता जिसको हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं, तो वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, बट वराइज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वराइज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो जब बदलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो भी बदल जाती है।
इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज वराइज लिनियरली विथ फ्रीक्वेंसी. देन द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. दोस्तों इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है उसकी संख्या है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. जो हमने यहाँ पर इंसिडेंट लाइट जो है उसके रेडिएशंस जो है ये रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसकी नंबर है वो डिपेंड करती है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी. क्वांटम थियरी के मुताबिक लाइट कंजिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स, फोटोन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू. यानी कि क्वांटम थियरी हमें क्या बताती है, जो भी लाइट कंजिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, लाइट जितनी भी हम इंसिडेंट लाइट करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, वो लाइट जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर कॉन्स्टेंटली एब्सॉर्ब नहीं होती है, लेकिन इट कैन बी एब्सॉर्ब इन द बंडल्स ऑफ एनर्जी. यानी कि हर समय के बाद एनर्जी का एक बंडल जिसको हम एच न्यू वन बोलते हैं वो एब्सॉर्ब होता है, थोड़े समय के बाद एच न्यू टू जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो, या फिर उसको बंडल बोले है ना, पैकेट बोल सकते हैं, एनर्जी का एक पैकेट. तो ये एनर्जी कॉन्स्टेंट एब्सॉर्ब नहीं होती है, बल्कि कोई सर्टेन पैकेट्स या बंडल के रूप में एनर्जी उसके अंदर एब्सॉर्ब होती है जिसको हम फोटोन बोलते हैं. सो फोटोन्स आर नथिंग बट एच न्यू. आई कैन से एच न्यू वन, आफ्टर सम टाइम एच न्यू टू, एच न्यू थ्री एटसेट्रा एच न्यू. ठीक है, तो एच न्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, दैट इज फोटोन. व्हेन अ फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, इट इम्पार्ट्स इट्स एंटायर एनर्जी एच न्यू जीरो टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसके बाद दिस एनर्जी एनेबल द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करती है. कैसे ओवरकम करती है, द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस को भी प्रभावित कर देती है. ठीक है, और आखिर में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. Thus each photon can eject one electron. यानी कि ये जो एनर्जी है वो जब एब्सॉर्ब होती है तो each photon यानी कि h nu one that can eject one electron, then h nu two that can eject second electron and so on. Then if the frequency of light is less than nu zero there will be no ejection. न्यू जीरो से कम एनर्जी जब एब्सॉर्ब होती है या इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड. व्हेन अ फोटोन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस. ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इट्स एनर्जी इज used to separate the electrons and remaining energy will be provided to the ejected electron to give it certain kinetic energy or velocity. yani ki jitni energy electron ko eject karne ke liye chahiye h nu 1 h nu 2 wo energy that is called threshold energy, lekin usme se thodi bachi hui jo energy hai remaining energy hai it will use to provide kinetic energy to the electron. And what is kinetic energy or velocity of electron? That is 1 by 2 mv square. Then, according to quantum theory,
लाइट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, एनर्जी एच न्यू, यानी कि फोटोन की एनर्जी एच न्यू जितनी है। तो आइंस्टाइन हमें क्या बताता है, आइंस्टाइन अप्लाइंग क्वांटम थियरी शोड एच न्यू की वैल्यू बताया है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 + 1/2 mv² वेयर 1/2 mv² इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड फाई क्या है, फाई इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पूरी एनर्जी हमने उसके ऊपर इंसिडेंट की थी, ठीक है। उसमें से इतनी एनर्जी जो रिमेनिंग बची थी वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन एविडेंटली हमें क्या मिलता है, फाई की वैल्यू है एच न्यू 0, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ फाई की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमें फाई की जगह एच न्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोस्तों हमें और एक इक्वेशन मिलेगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0। तो ये जो है इक्वेशन 3, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि तरंग यंत्र शास्त्र के अंदर हमें सिलेबस में पढ़ना होता है, तो साइंस वाले और ज़्यादातर केमिस्ट्री वाले बच्चे या फिर फिजिक्स वाले बच्चे भी अगर पढ़े तो उसके लिए क्वांटम में बहुत आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर ज़रूर बहुत बहुत लाइक कीजिए, और हाँ आपके और सारे ग्रुप्स में शेयर करना उसको नहीं भूलना है। एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करें, राजेंद्र दवे ऑफिशियल ऑन YouTube। तब तक के लिए धन्यवाद।